हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट दाई चैनल में स्वागत है। एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट का जो आर्टिकल है उसमें आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, गिव एन अल्टरनेट अरेंजमेंट फॉर द फॉलोइंग सर्किट सो दैट न्यू सर्किट हैज़ मिनिमम स्विचेस। तो आपको क्या करना है, जो सर्किट दिया है उसके लिए पैरेलल सर्किट बनाना है जिसमें कम से कम क्या हो, स्विच हो, लेकिन आउटपुट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब आपको जो स्विचिंग सर्किट दिया है उसे सॉल्व करना है और उसे सॉल्व करने के बाद उसके पैरेलल ऐसा सर्किट बनाना है जिसमें कम से कम स्विचेस हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, अक्सर यहाँ पर क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों ज़रूरी है कि आपको सिंबॉलिक फॉर्म लिखना आना चाहिए। सिंबॉलिक फॉर्म लिखना आएगा तभी आप उसे सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के लिए रूल्स ऑफ लॉजिक भी अच्छे होने चाहिए और तभी फिर से आप सर्किट बना सकते हो। तो इस वन टाइप के क्वेश्चन में तीनों कैटेगरीज आ जाती हैं। तो चलो देखो यहाँ से कैसे इन्हें सॉल्व किया जाता है। तो आपको जो सर्किट दिया है, इस सर्किट को आप ऑब्जर्व करोगे, देखोगे फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन तीनों एक दूसरे को क्या है, पैरेलल। तो अब S1 S2 S1 S2 S1 S2। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पी रोगे, पी क्या होगा, स्विच S1 इज क्लोज्ड, निगेशन पी क्या होगा, स्विच S1 इज क्लोज्ड, ओके। क्यू क्या होगा, स्विच S2 इज क्लोज्ड एंड निगेशन क्यू क्या होगा, स्विच S2 इज क्लोज्ड। तो सबसे पहले आपको इस सर्किट के लिए क्या बनाना होगा, स्विचिंग सिंबॉलिक फॉर्म। देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, सिंबॉलिक फॉर्म। चलो क्या है सिंबॉलिक फॉर्म, तीनों पैरेलल है, वन लाइन पैरेलल, सेकेंड लाइन पैरेलल, थर्ड लाइन। आपको पता है जैसे ही पैरेलल होते आप क्या लेते हो, फर्स्ट ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट। पैरेलल क्यों, फर्स्ट लाइन पैरेलल, सेकेंड लाइन पैरेलल, थर्ड लाइन। फर्स्ट लाइन में क्या है, S1 S2 दोनों क्या है, सीरीज में, सीरीज में मतलब एंड। S1 मतलब कौन, पी, S2 मतलब कौन, निगेशन क्यू। सेकेंड लाइन में देख सकते हो S1 S2 दोनों क्या है, सीरीज, सीरीज मतलब क्या, एंड। S1 मतलब कौन, निगेशन पी, एंड S2 मतलब कौन, क्यू। और मतलब आप थर्ड लाइन में जाएंगे, थर्ड लाइन में क्या है, S1 एंड S2 सीरीज में, सीरीज मतलब क्या, एंड। S1 मतलब निगेशन पी, S2 मतलब निगेशन क्यू। तो ये आपका क्या हो गया, स्टेटमेंट पैटर्न हो गया। तो आपको इसे अब क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, तभी आप क्या करोगे, इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो चलो क्या है, यस इज इक्विवेलेंट टू पी एंड निगेशन क्यू और निगेशन पी एंड क्यू और निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, ओके ना। तो चलो अच्छे से देखो किस तरह से इस कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल को सॉल्व किया जाता है। डरने वाली कुछ बात है नहीं, ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको, अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो आप निगेशन पी एंड, यहाँ पे भी देख सकते हो निगेशन पी एंड। तो इसका मतलब क्या है, इन दो ब्रैकेट में निगेशन पी एंड क्या है, सेम। तो यहाँ इसे सिंप्लीफाई किया, पी एंड निगेशन क्यू, ये जो पार्ट ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा, निगेशन पी को क्या लिया, कॉमन, ओके। तो निगेशन पी एंड को कॉमन लिया, अच्छे से देखो क्या क्या, निगेशन पी एंड को कॉमन लिया, यहाँ पे क्या रहा क्यू और यहाँ पे क्या रहा निगेशन क्यू। तो क्या किया हमने, यहाँ पे देखो अगर मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो इस तरह से आ जाता, मतलब यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और, ओके। चलो अच्छे से देखो, अब यहाँ पे क्यू और निगेशन क्यू, जिससे मैं, आपको पता है कि जिस तरह से मैं रूल अप्लाई करता हूँ उसके लिए अंडरलाइन करता हूँ ताकि हमें पता चलता है हम क्या यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्यू और निगेशन क्यू, तो आपको पता है कोई भी स्टेटमेंट और उसका निगेशन क्या आता है, टॉटोलॉजी। तो फिर ये कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो पी एंड निगेशन क्यू ऐसे ही रहेगा और निगेशन पी एंड इसकी वैल्यू क्या आएगी, टॉटोलॉजी। क्या है, कौन सा लॉ यूज़ किया है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट लॉ,
कौन सा लॉ यूज़ किया, कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो अब यहाँ पे फिर से लॉ यूज़ करेंगे, कोई भी स्टेटमेंट एंड टी क्या आता है, वही स्टेटमेंट आता है। सो यहाँ पे पी एंड निगेशन क्यू, और ये क्या आएगा, निगेशन पी। ये कौन सा लॉ है, कोई भी स्टेटमेंट का एंड अगर टी से लिया तो हमें वही स्टेटमेंट मिलता है, इसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ। अब यहाँ पे देखो, और यहाँ पे एंड, और एंड ये तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे स्प्लिट करना पड़ेगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। सो पी और निगेशन पी एंड निगेशन क्यू और निगेशन पी, क्या यूज़ किया यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या यूज़ किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अब पी और निगेशन पी क्या होता है, वही स्टेटमेंट। पी और निगेशन क्यू क्या आता है, कि कोई भी स्टेटमेंट और उसका निगेशन क्या आता है, टी। तो यहाँ पे आएगा टी एंड निगेशन क्यू और निगेशन पी, यहाँ पे कौन सा लॉ यूज किया, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब देखो, कोई भी स्टेटमेंट एंड टी होगा तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, वही स्टेटमेंट मिलेगा। सो किसी भी स्टेटमेंट का एंड अगर टी से लिया तो वही स्टेटमेंट मिलता है, इसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ। अब यहां इसे कम्यूट करेंगे सो क्या मिलेगा, निगेशन पी, यहां पे पी है, निगेशन पी, निगेशन पी, यहां पे क्या आएगा, निगेशन पी। अब इसे आगे लिखेंगे, इसको पीछे लिखेंगे, निगेशन पी और निगेशन क्यू, क्या क्या दोनों को कम्यूट किया, सो क्या यूज किया, कम्यूटेटिव लॉ। तो इससे आगे ये जो है ये सॉल्व नहीं होने वाला। तो देखो, इतना हमारा बड़ा सर्किट था, इसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, सिंबॉलिक फॉर्म को यूजिंग रूल्स ऑफ लॉजिक सॉल्व किया। अब देखो हमारे पास सिर्फ कितने स्विच आए, दो स्विच, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इजीली सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंप्लीफाइड सर्किट। चलो क्या आएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट, और मतलब क्या होगा, पैरेलल। आपका सर्किट कंप्लीट करने के लिए क्या लेनी होगी, बैटरीज, लैंप, ये क्या है, एस वन डैश, एंड ये क्या है, एस टू डैश। तो आपका जो बड़ा सर्किट था उसको सिंप्लीफाई करके हमने क्या ऑप्टेन किया, स्मॉलर सर्किट ऑप्टेन किया विथ मिनिमम स्विचेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है आपके लिए, और ये अक्सर 4 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। ओके ना, ओके। तो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ और प्रॉब्लम्स है, आप देख सकते हो कि ये आपको क्या करना है, इस सर्किट को सॉल्व करना है और इसके लिए सिंप्लीफाइड सर्किट बनाना है जिसमें कम से कम स्विचेस हो। तो फर्स्ट नंबर का जो प्रॉब्लम है आप उसे होमवर्क में करोगे, सेकेंड एंड थर्ड नंबर का जो प्रॉब्लम है इसे मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दूंगा। तो चलो क्या करेंगे, सबसे पहले सर्किट जो दिया है वहाँ पर हम क्या करेंगे, वी हैव, पहले हम क्या करेंगे, इसका स्टेटमेंट पैटर्न लिखेंगे। स्टेटमेंट पैटर्न लिखने से पहले हम क्या लिखते हैं, स्विचेस। तो आप लोग एस पी क्या होगा, स्विच एस वन इज क्लोज, क्यू स्विच एस टू इज क्लोज, आर स्विच एस थ्री इज क्लोज। यहाँ पे एस थ्री डैश है, एस वन डैश है, एस टू डैश है, एस वन डैश नहीं है। सो एस टू डैश क्या होगा, निगेशन क्यू, एस टू डैश इज क्लोज, एंड निगेशन आर, स्विच एस थ्री डैश इज क्लोज। तो पहले आप क्या लोगे, स्विचेस। ओके ना, तो मैं यहाँ पे नहीं लिखने वाला लेकिन आपको एग्जाम में लिखना होगा। तो पहले आप क्या करोगे, स्विचेस लिखोगे। स्विचेस लिखने के बाद क्या लिखोगे, सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के लिए क्या करोगे, आप देख सकते हो फर्स्ट लाइन पैरेलल सेकेंड लाइन। सो फर्स्ट लाइन पैरेलल सेकेंड लाइन, पैरेलल जैसे आता है हम क्या लेते हैं, और। तो फर्स्ट लाइन में क्या है, एस वन, अब करंट यहाँ से आगे जाएगा तभी आगे जाएगा, मतलब एस वन एंड ये दोनों क्या है, सीरीज में। एस वन का मतलब क्या है, पी एंड आगे कुछ, तो फिर से क्या है, ब्रैकेट। तो करंट यहाँ से यहाँ आ गया मतलब क्या, ए क्लोज होगा तभी करंट आगे जाएगा, मतलब ए, और ये पूरा क्या है, सीरीज में। यहाँ पे देखो करंट यहाँ आने के बाद क्या होगा, स्प्लिट, स्प्लिट हो गया मतलब क्या आएगा, और आएगा एस टू एंड एस थ्री, मतलब क्यू और आर। अब यहाँ पे कंप्लीट होके यहाँ से आ गया, आगे जाएंगे और है, और का मतलब क्या है, पैरेलल। तो सेकेंड लाइन यहाँ पे आ गई, क्या है, एस थ्री डैश, आगे जाएगा एस टू डैश, आगे जाएगा एस वन, मतलब ये तीनों क्या है, सीरीज में। सीरीज में आएंगे तो क्या लिखेंगे, एंड। एस थ्री डैश मतलब क्या, निगेशन आर, एंड। एस टू डैश मतलब क्या, निगेशन क्यू, एंड। एस वन मतलब क्या, पी।
तो इस तरह से आपको क्या दिया है, सिंबॉलिक फॉर्म दिया है। सिंबॉलिक फॉर्म में आप देख सकते हो टोटल कितने स्विचेस है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 स्विचेस है। तो हमें इसे सिंप्लीफाइड करके ऐसा सर्किट बनाना है जिसमें कम से कम स्विचेस हो। तो फिर हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे यूजिंग दी रूल्स ऑफ लॉजिक। तो क्या होगा, चलो देखो, यस इज इक्वेलेंट टू पी एंड क्यू और आर, और तो हम इसे क्या करते हैं, कम्यूटेटिव यूज कर सकते हैं, पी एंड निगेशन क्यू एंड निगेशन आर। यहाँ पे क्या यूज किया, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ओके, यहाँ पे एंड था, यहाँ पे एंड था, सिर्फ पी को आगे लिखा, निगेशन आर को पीछे लिखा, तो यहाँ पे कम्यूटेटिविटी का हमने यूज किया। अब यहाँ पे अच्छे से आप देख सकते हो निगेशन क्यू एंड आर, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो पी एंड क्यू और आर, और अच्छे से देखो पी एंड, यहाँ से निगेशन कॉमन लिया, निगेशन कॉमन, तो यहाँ पे क्या होगा, निगेशन क्यू था, निगेशन गया तो क्या रहेगा, क्यू, एंड का क्या होगा, और निगेशन आर से निगेशन बाहर गया मतलब क्या, आर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डी मॉर्गन्स लॉ का यूज किया। क्या है डी मॉर्गन्स लॉ, निगेशन क्यू और आर मतलब क्या, निगेशन क्यू एंड निगेशन आर। तो यूज कौन क्या किया, डी मॉर्गन्स लॉ। अब आप अच्छे से देख सकते हो, चलो यहाँ पे क्या है, पी एंड, यहाँ पे क्या है, पी एंड, तो दोनों ब्रैकेट में से आप क्या ले सकते हो, पी एंड को कॉमन, ब्रैकेट में क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा क्यू और आर। ओके, और यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा, निगेशन ऑफ क्यू और आर। अच्छे से देखो अब यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, कॉमन लिया मतलब क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज किया। क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रिवर्स अप्लाई किया। अब यहाँ पे देखो क्यू और आर मतलब कोई भी स्टेटमेंट, और निगेशन ऑफ क्यू और आर इसका मतलब कोई भी स्टेटमेंट और उसका निगेशन। देखो यहाँ पे क्यू और आर है, यहाँ पे क्यू और आर का निगेशन है, सो कोई भी स्टेटमेंट और उसका निगेशन क्या होता है, टॉटोलॉजी, क्या होता है, टोटलाइज। सो पी एंड ये क्या आएगा, टी, तो कोई भी स्टेटमेंट और उसका निगेशन क्या आएगा, टोटलाइज। ये कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। और यहाँ पे पी एंड टी, कोई भी स्टेटमेंट उसका एंड टी से हो तो हमें क्या मिलता है, वही स्टेटमेंट मिलता है। ओके ना, तो ये कौन सा लॉ है, आइडेंटिटी लॉ। क्या है, आइडेंटिटी लॉ। तो सब सॉल्व करने के बाद यस की वैल्यू क्या आ गई, एक सिंगल स्विच में आ गई। तो इसके लिए अगर हमें सिंप्लीफाइड सर्किट बनाना होगा तो क्या आएगा, सिंपली इस तरह से आएगा। तो ये क्या होगा, यस वन। तो देखो ये क्या होगा आपका, सिंप्लीफाइड सर्किट। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना होता है, जो सर्किट दिया है पहले स्विचेस लिखने होते हैं, उसके बाद उसका सिंबॉलिक एक्सप्रेशन लिखना होता है, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन यूजिंग द रूल्स ऑफ लॉजिक सॉल्व करना होता है, सॉल्व करने के बाद जो स्विचेस रह जाते हैं उसके लिए स्विचिंग सर्किट बनाना होता है। तो ये 4 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन जो है उसे देखेंगे। चाहे कितने भी स्विचेस हो, डरने की कोई बात है नहीं, सिर्फ आप अच्छे से क्या करो, उसे टैकल करो, जो रूल्स बताए हैं उसे अच्छे से अप्लाई करो। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना होगा, वी हैव, सबसे पहले क्या आएगा, पी, स्विच एस वन इज क्लोज्ड, एस वन डैश नहीं है, एस टू डैश नहीं है, क्यू, स्विच एस टू इज क्लोज्ड, फिर आएगा आर, स्विच एस थ्री इज क्लोज्ड, निगेशन आर, एस थ्री डैश भी है मतलब क्या आएगा, निगेशन आर, फिर आएगा यस, फिर आएगा निगेशन यस, यस क्या होगा, स्विच यस फोर इज क्लोज्ड, निगेशन यस क्या होगा, स्विच यस फोर डैश इज क्लोज्ड, फिर क्या होगा, टी, स्विच यस इज क्लोज्ड, फिर क्या आएगा, निगेशन टी, स्विच यस फाइव डैश इज क्लोज्ड। अच्छे से देखो, पी मतलब एस वन क्लोज, क्यू मतलब एस टू क्लोज, आर मतलब एस थ्री क्लोज, एस मतलब एस फोर क्लोज एंड टी मतलब एस फाइव क्लोज, निगेशन मतलब उसका डैश क्या होगा, क्लोज। इस तरह से पहले आप क्या लोगे, स्विचेस लोगे, उसके बाद आप क्या बनाओगे, सिंबॉलिक फॉर्म, क्या बनाओगे, सिंबॉलिक फॉर्म। आप देख सकते हो यहाँ से करंट क्या हो रहा है, फ्लो, तो करंट यहाँ से पास होगा तभी यहाँ पे आएगा, मतलब ये जो ब्रैकेट है पूरी
और ये जो ब्रैकेट है ये दोनों क्या है, सीरीज में है। क्यों सीरीज में है? जैसे ही करंट यहाँ से आगे जाएगा, जब तक करंट यहाँ से पास नहीं होता तब तक करंट आगे नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पे करंट नहीं आएगा। और जब तक करंट यहाँ से यहाँ तक नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है कि ये जो सर्किट है ये क्या है, सीरीज में। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या होगी, सीरीज में। ओके, सीरीज का मतलब क्या होगा, एंड। तो यस इज इक्विवेलेंट टू, ये जो यस होता है ये स्मॉल होता है, ये कैपिटल होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट यहाँ पे आ गया एंड, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट मतलब ए सर्किट है और सेकेंड ब्रैकेट मतलब ए सर्किट है, और दोनों क्या है, सीरीज में, इसलिए यहाँ पे बीच में क्या आया है, एंड आया है। चलो देखो आगे, अब यहाँ पे करंट आने के बाद यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा, मतलब टोटल करंट का स्प्लिटिंग कहाँ पे होगा, फोर जगह पे, यहाँ पे सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। अगर फोर्थ है तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या होगा, चार जगह पे स्प्लिटिंग होती है, तो कितने और आएंगे, थ्री और आएंगे, कितने और आएंगे, थ्री और, क्योंकि फोर पैरेलल लाइन्स है तो यहाँ पे फोर ब्रैकेट्स आएंगे, मतलब थ्री और आएंगे। तो अब यहाँ पे करंट गया तो यस वन, अगर एक क्लोज्ड होगा तभी करंट आगे जाएगा, मतलब यस टू। तो ये दोनों क्या आ गए, सीरीज में। तो यहाँ पे होगा यस वन मतलब क्या, पी एंड क्यू दोनों क्या है, सीरीज में। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ से गया तो यस थ्री डैश, यस थ्री डैश मतलब क्या, निगेशन आर। यहाँ से आगे गया तो यस फोर डैश मतलब क्या, निगेशन यस। यहाँ से आगे गया तो यस फाइव डैश मतलब निगेशन टी। इस तरह से आपका क्या बनेगा, सर्किट बनेगा। अच्छे से देखो, आप देख सकते हो करंट यहाँ से जैसे स्प्लिट होगा, जैसे ही करंट स्प्लिट होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो वन लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर लाइन, मतलब ये सभी क्या है, पैरेलल, लेकिन ये दोनों क्या है, सीरीज में। सो यस वन यस टू मतलब पी एंड क्यू, और निगेशन आर, और निगेशन यस, और निगेशन टी। अब आगे देखो, यहाँ से करंट आगे आएगा, यहाँ आने के बाद करंट फिर से क्या होगा, स्प्लिट, कुछ पार्ट यहाँ जाएगा, कुछ पार्ट यहाँ जाएगा, मतलब यहाँ पे भी बीच में क्या आने वाला है, और क्योंकि करंट की क्या बोले, स्प्लिटिंग। सो फर्स्ट पार्ट में यस वन यस टू मतलब क्या आ गया, पी एंड क्यू, और सेकेंड पार्ट में यस थ्री यस फोर यस फाइव तीनों सीरीज में, मतलब आर एंड यस एंड टी, इस तरह से। तो आपका सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हो गया। डरने वाली कोई बात नहीं, सिर्फ रूल्स को अच्छे से याद रखो, तो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड के लिए आप सिंबॉलिक फॉर्म बना सकते हो। तो चलो सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ पे बन गया, तो आपको इसे सॉल्व करना होगा। आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, पी एंड क्यू और यहाँ पे क्या है, पी एंड क्यू और, ओके ना। सो मैंने सबसे पहले पी एंड क्यू और को कॉमन लिया, सो पी एंड क्यू और कॉमन लिया, अंदर क्या रहा, यहाँ पे बचा निगेशन आर और निगेशन यस और निगेशन टी, यहाँ पे आएगा एंड, यहाँ पे क्या आ गया, आर एंड यस एंड टी। ओके, इस तरह से आपका क्या हो गया, ब्रैकेट प्रिपेयर हो गया। तो अगर आपने यहाँ से क्या लिया, निगेशन को कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, चलो अच्छे से देखो, पी एंड क्यू और यहाँ से निगेशन को कॉमन लिया, यहाँ आ गया निगेशन कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा आर और का होगा एंड, यहाँ पे बचेगा यस और का होगा एंड, यहाँ पे बचेगा टी और का होगा एंड। ओके, एंड आर एंड यस एंड टी। चलो अच्छे से देखो, यहाँ पे हमने क्या किया था, कॉमन लिया था, मतलब क्या यूज किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और यहाँ से हमने निगेशन को कॉमन लिया, मतलब क्या अप्लाई किया, डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, अच्छे से देखो, अब ये क्या है आपका स्टेटमेंट, सपोज इसे मैंने क्या बोला, पी, और ये क्या होगा, सॉरी इसे पी बोला तो ये क्या होगा, निगेशन पी, आर एंड एस एंड टी, इसे मैंने पी बोला तो निगेशन ऑफ आर एंड एस एंड टी, मतलब क्या होगा, निगेशन पी। तो आपको पता है पी एंड निगेशन पी ये जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, फॉल्स। कोई भी स्टेटमेंट एंड उसका निगेशन क्या आता है, फॉल्स आता है, कोई भी स्टेटमेंट और उसका निगेशन क्या आता है, ट्रू आता है। तो यहाँ पे देखो, ए हो गया पी एंड ए हो गया निगेशन पी, तो आपको क्या मिलेगा, पी एंड क्यू और यप मिलेगा, कौन सा लॉ है ये, कॉम्प्लीमेंट लॉ,
कौन सा लॉ है? कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो आपको पता है कोई भी स्टेटमेंट और यप, किसी भी स्टेटमेंट का और अगर यप से लिया तो हमें क्या मिलता है? वही स्टेटमेंट मिलता है, पी एंड क्यू। कौन सा लॉ है ये? आइडेंटिटी लॉ। तो हमें लास्ट में यस की वैल्यू क्या मिली? पी एंड क्यू। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। पी एंड क्यू, पी मतलब यस वन इज क्लोज, क्यू मतलब यस टू इज क्लोज, एंड ए मतलब सीरीज। सो फर्स्ट स्विच एंड सेकेंड स्विच सीरीज में, इस तरह से ये हो गया यस वन, ए हो गया यस टू। तो ये हो गया सिंप्लीफाइड सर्किट, सिंप्लीफाइड सर्किट। तो ये जो बड़ा सर्किट था इसको हमने सिंप्लीफाइड करके सिर्फ कितने स्विच में ले आए? दो स्विच में ले आए, और उसका हमने क्या बनाया? सिंप्लीफाइड स्विचिंग सर्किट भी बनाया। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ता है? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है, टैकल करना पड़ता है। ये आर्टिकल सिंप्लीफाइड द स्विचिंग सर्किट का जो आर्टिकल है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड पर्पस। तो आप इसे अच्छे से ध्यान में रखो, अच्छे से स्टडी करो, क्योंकि ये 4 मार्क्स के लिए अक्सर पूछा जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप में से किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।